ओम शांति, सबका नवोदय चैनल में स्वागत है। आज हम शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे और शाम एक किसान कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित एक चित्र साम्य और भाव साम्य की कविता है। तो ये कविता हम आपको पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार पूर्व में सिमटा पड़ा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका एक एक पंक्ति का हम लोग अर्थ देखते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे कि किसान है जो कि बादलों रूपी सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए है और बगल में सूर्य भगवान अपनी प्रभा को थोड़ा मध्यम किए हुए हैं, जिससे जो कवि महोदय हैं उनको किसान की जो चिलम की आग है उसकी आग जैसा वो लग रहे हैं, और जो नदी बह रही है ऐसा लग रहा है कि किसान ने अपने पैरों पर एक सफ़ेद चादर सी ओढ़ ली है। तो यह दोनों ही दृश्य एक भाव साम्य पैदा करते हैं। अब देखिए, एक मोर है जो कि प्रकृति में अपनी आवाज़ के लिए विख्यात है, तो इन दोनों के माध्यम से कवि ने शाम के दृश्य का चित्रण किया है कि पहाड़ी एक दृश्य पे किसान और प्रकृति का परिवेश किस तरह से होता है, इन दोनों का ही चित्रण कवि ने इसमें किया है। तो आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसमें कवि कह रहे हैं कि आकाश का आकाश और उसमें बादल हैं, तो उन बादल रूपी एक सफ़ेद रंग के बादल, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर पहाड़ का साफा है और उसको किसान के रूप में कवि देख रहा है। सूरज की चिलम खींचता, पहले जमाने में लोग चिलम पीते थे। चिलम मिट्टी का बना हुआ एक ऐसा कटोरी, ऊपर कटोरी जैसा बना होता था, उसमें कोयले की आग और तंबाकू वगैरह डाल करके किसान लोग पीते थे। अब वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो जो सूर्य भगवान हैं वो चिलम के जैसे प्रतीत हो रहे हैं पहाड़ के पास में। ऐसा लग रहा है कि किसान रूपी पहाड़ उस चिलम को पी रहा है। तो एक इसमें दृश्य शाम का बहुत ही सुंदर भाव कवि ने प्रस्तुत किया है। अब देखिए कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और नदी जो कि पहाड़ के अंचल से निकल कर मैदान की तरफ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसान के पांवों पर पड़ी हुई चादर जैसी दिख रही है। तो चादर के समान दिखना यहाँ पर उपमा अलंकार है। और पास ही दहक रही है पहाड़ के जंगल की अंगीठी। तो पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश एक सुंदर वृक्ष है जिसके पुष्प लाल लाल रंग के होते हैं, और वह है जब खिलते हैं तो एक साथ ही खिलते हैं। तो उनका दृश्य भी ऐसा लग रहा है कि लाल लाल रंग से जैसे अंगीठी कोई जला लेती है खाना वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें कोयला लाल रंग का दिखता है, तो उसी प्रकार से पलाश के जो जंगल है वह भी लाल रंग के दिख रहे हैं। तो कभी को यह दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगला देखिए, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गले सा, जैसे बहुत सारी भेड़ें इकट्ठा हो जाएं और वह काले रंग की हों तो भी अंधकार उसी तरह से दिख रहा है कवि को। तो कवि ने किसान की भेड़ों की भी तुलना कर दिया है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। अब जब प्रकृति है तो प्रकृति में पशु पक्षी बोलते भी रहते हैं, प्रकृति में पशु पक्षी बोलते भी रहते हैं। तो जब मोर ने आवाज दिया कैसे, तो उसकी आवाज जैसे लगी, सुनते हो मोर की आवाज ऐसे लगा जैसे सुनते हो,
तो जब कोई आवाज़ आप किसी चीज़ में मग्न हो और अचानक कोई आवाज़ दे तो आपको क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि आप चौंक जाएंगे। जब चौंक जाएंगे तो आपके हाथ में कोई भी चीज़ है तो वह गिर जाएगी। तो कभी उसी को कह रहा है कि चिलम औंधी। जब वो चौंक गया किसान, तो किसान के हाथ से चिलम गिर गई और सूर्य भगवान उसी माध्यम से अस्त हो गए। और जब चिलम गिरेगी तो उसका धुआं चारों तरफ फैलेगा, तो उससे क्या होगा? काला रंग अंधकार हो जाएगा। तो धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कि इसके अंधेरा छा गया। तो यह भी एक सुंदर दृश्य है, सुंदर वर्णन है कवि ने, जो कि शाम का इतना सुंदर वर्णन किया है। किसान, पहाड़ और सूर्य, मोर, नदी इत्यादि प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से कवि ने शाम की, सूर्य अस्त होने की तुलना शाम से किया है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है और हमें लगता है कि यह कविता आपकी समझ में आई होगी। कवि ने यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग बहुत ही अच्छा किया है और मुक्त छंद है, तो दोनों ही चीज़ें कवि प्रसाधिकार उनका प्रयोग करता है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सब कहीं भी कोई समस्या आती है तो अवश्य कमेंट करें और अपने अध्ययन में लगे रहें। तो सबको शुभकामनाएं, ओम शांति।